हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विदिक जा गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम बार बार आपको एमपी सिविल जज जुडिशियल एग्ज़ाम्स और ऑल इंडिया के जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स होते हैं या लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको अवेयर करते हैं। हमारे पास जो भी क्वायरीज, जो भी क्वेश्चन आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको आपको बता पाएँ। ऐसे एक बार बार क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था तो उसको ही आज हम लेके इस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई। तो सबसे पहले आप जानते हो कि एमपी सिविल जज का रिजल्ट आ चुका है और जो लोग भी उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं तो सभी को बहुत बहुत बधाई हमारी टीम के साइड से। और आप क्या करिए, आगे अच्छा करिए, जल्द से जल्द सिविल जज बनिए, देश की सेवा करिए। बाकी मैं यही मनोकामना आपके लिए कर सकता हूँ। चलिए, ये तो बात हुई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की। जो सिलेक्शन हुए हमको बहुत खुशी होगी, मानता हूँ बहुत खुशी होती है। हम लोगों के जब एग्ज़ाम निकलते थे तो खुशी होती थी, लेकिन याद रखिएगा हमेशा जो सक्सेस पाते हैं उनका रेशियो हमेशा थोड़ा कम होता है जो अनसक्सेस होते हैं। लगभग मान सकते हैं कि 2000 लोग इस एग्ज़ाम में सक्सेस हुए होंगे, लेकिन 30,000 प्लस लोग अनसक्सेस भी हुए हैं। तो देखिए, सक्सेस की चर्चा तो हर जगह होती है, अनसक्सेस की कहीं नहीं होती। तो भैया सक्सेस के लिए तो सब वीडियो बना रहे हैं, आज हम कोशिश करते हैं जो अनसक्सेसफुल हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में किसी भी रीज़न के वजह से, उनके लिए कुछ हम खुशियां ला सकें, हम उन्हें कुछ बता सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लोग अनसक्सेसफुल हुए हैं तो उनको क्या होगा, नेक्स्ट वैकेंसी का इंतज़ार होगा। और आपको पता होगा कि एमपी में रेगुलरली वैकेंसी आती हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है, वो एक्सपेक्टेड डेट क्यों हो सकती है वो वाली डेट। देखिए, एक्सपेक्टेड डेट कुछ लोगों से पता चला है सूत्रों के माध्यम से, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जो अनसक्सेसफुल हुए हैं वो निराश ना होइए। देखिए, सफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज सफल हो के कल असफल हो सकते हो, लेकिन आज आप असफल हो रहे हो तो कल सफल भी हो सकते हो। तो भैया ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार सिविल जज एग्जाम निकल गया तो वो सफल हो गया। भैया लाइफ बहुत बड़ी है, सफलता चलती रहनी है। आज अगर आप असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि अपन को नेक्स्ट वैकेंसी पर क्या करना है, फोकस करना है और अपन और स्ट्रांग होकर आएंगे। सोचिए, जो आज बन रहा है अच्छी बात है, लेकिन आपके पास और समय है। हो सकता है भगवान चाह रहा हो कि आप और चीज़ों को सीखें, और चीज़ें सीखोगे तो और अच्छे जज बनोगे, और अच्छे जज बनोगे तो आपका बहुत नाम होगा। तो मेरी यही मनोकामना है कि आपके लिए कुछ नहीं खत्म हुआ है। जो भी मायूस थे, मायूसी 2-3 दिन की रहती है, खत्म करिए मायूसी को और अब अपन जुड़ जाते हैं तैयारी में। जो भी पॉसिबल हेल्प हो जा पाएगी आपकी, हम और हमारी टीम आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम बात करते हैं एमपी सिविल जज की एक्सपेक्टेड वैकेंसी कब आ सकती हैं और रीजन क्यों। तो देखिएगा, जो ये वैकेंसी है जो अभी चल रही है, जिसको अपन 2021 वैकेंसी कह रहे हैं, एक्चुअल में ये वैकेंसी 2019 की है। ये वैकेंसी कब की है, 2019 की, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी हर साल एमपी हाई कोर्ट में, एक सबसे अच्छी बात है, अदर स्टेट में वैकेंसी आए ना आए, एमपी हाई कोर्ट में हर साल वैकेंसी आती हैं। तो ये तो हुई 2019 की, ये आ रही है 2021 में हो रही। अभी 2020 की वैकेंसी पेंडिंग है, 2021 दोनों की ये वैकेंसी पेंडिंग है। तो क्या ये वैकेंसी आएंगी, तो बिल्कुल ये वैकेंसी आएंगी। कोविड की वजह से एक साल लगभग बर्बाद हो चुका है। जितने भी जजेस होते हैं जो हर साल रिटायर्ड होते हैं या कुछ नई पोस्ट जो बनती हैं, नए कोर्ट्स बनते हैं, तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो कोर्ट्स वैकेंसीज खाली हैं, वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। अब आती है कि ये 2020 वाली वैकेंसी कब आ सकती है, किस डेट को ये वैकेंसी आ सकती है, हमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है कब देखने को मिल सकता है और हम उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखिएगा, ये अभी अंदाज मैंने एक्सपेक्टेड डेट बताई थी आपको मेंस की, तो ये मेंस की एक्सपेक्टेड डेट 2021 हो सकती है। ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है 2021 में आपका, अगस्त 2021 में आपका जो ये जो एग्ज़ाम है ये वाला, ये आपका कंडक्ट मेंस हो जाएगा। उसके एक डेढ़ महीने बाद अगर सिचुएशन सही रही तो क्या होगा, आपकी नेक्स्ट आपका हो जाएगा, पेपर वगैरह हो जाएंगे, इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। अब आती है नेक्स्ट वैकेंसी, ये वैकेंसी कब तक मिल सकती है। तो देखिएगा, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड वैकेंसी है। कुछ लोगों से पता चला है हाई कोर्ट के या जो जबलपुर में है, उन लोगों ने बताया है कि ऐसी प्रोसेस चल रही है, तो आप एक एक्सपेक्ट डेट मान सकते हैं। क्योंकि देखिएगा, अगर कोविड की सिचुएशन ख़त्म नहीं होती है, ये बात मैं तब की कर रहा हूँ, इनकेस थर्ड वेव आती है वैकेंसी फिर पेंडिंग हो जाएगी। तो देखिएगा, अगर सिचुएशन ऐसे ही सही रहती है, कंट्रोल में धीरे धीरे आती रहती है,
तो आप नेक्स्ट वैकेंसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर में दोबारा से आपको हो सकता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने मिले। होता क्या है, हो सकता है जैसे मेंस का एग्ज़ाम हो इस डेट को, मेंस के एग्ज़ाम के तुरंत बाद हो सकता है अगर सिचुएशन सही रही तो आपको अगस्त में ही नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हाईकोर्ट इंटरव्यू का वेट नहीं करता कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, वो बाद में करा लेंगे, आपको नोटिफिकेशन डाल दी जाएगी अगस्त या सितंबर में। अगर अगस्त और सितंबर में नोटिफिकेशन डाली तो नोटिफिकेशन से आपको लगभग 45 डेज मिलेगा। तो अगस्त और सितंबर से 45 डेज अगर करें तो अक्टूबर नवंबर में एक एक्सपेक्ट मान सकते हैं कि हमें फिर से क्या देने मिलेगा, एग्जाम देने मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबल है नवंबर में एग्जाम देने मिले, मोस्ट प्रोबेबल है नवंबर में, तो आप एक मान सकते हैं कि नवंबर में फिर से वैकेंसी लाइनअप है, आप तैयारी में जुट जाइए। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने रूमर सुने हैं कुछ लोगों का कहना है कि 3 साल वैकेंसी नहीं आएगी, भैया ये सब कोरी बातें हैं, फालतू में दिमाग मत लगाइए, वैकेंसी आएगी मतलब आएगी। कोई वैकेंसी आती है नहीं आती मैं नहीं कह सकता, लेकिन एमपी सिविल जज की आप देखोगे लगातार 2013 से 2021 हो गया हर साल वैकेंसी हो, तो एक साल तो हुआ था दो वैकेंसी आ गई थी, 18 में तो दो वैकेंसी आ गई, तो वैकेंसी तो आने वाली है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए और तैयारी करते रहिए, रूमर्स में मत पड़िए कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी मतलब आएगी। और अगर कोविड की सिचुएशन वर्स्ट होती है, होप ऐसा ना हो, कामना यही करेंगे, तो हो सकता है वैकेंसी फिर थोड़ी आगे आपकी चली जाए, आगे पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन मान के चलिएगा सितंबर तक आपको देखने मिल सकता है अगस्त तो सितंबर में। तो ये मेरा एनालिसिस था, मेरा एनालिसिस कुछ आधारों पर था, कुछ मैंने आपको फैक्ट बताए, इसके साथ साथ कुछ लोगों से बातें भी हुई थी, अब नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सेल में भी हैं, हाईकोर्ट में भी हैं, और एक दो दोस्त और हैं जो वो बहुत मतलब जो अंदर की खबर रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को एग्जैक्ट डेट पता रहती है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि वैकेंसी लगभग लाइनअप हो चुकी है और आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। आप असफल हुए थे लेकिन असफलता के बाद जो सफलता का मज़ा है वो बेहतरीन होता है, ठीक है। चलिए अब आपके फ़ायदे की कुछ बात कर लेते हैं। अनअकैडमी है भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को ऑनलाइन आयाम दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिचुएशन कोविड की है और आज की नीड है ऑनलाइन एजुकेशन, तो अनअकैडमी ऐप में अब आप PCSG की तैयारी था सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं। अब जो ये अनअकैडमी है यहाँ पे आप फ्री टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं, और अभी बहुत सारी क्लासेस बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप आगे देख सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आप प्रोमो कोड Shahbaz10 डालेंगे तो आप उन क्लासेस को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। और साथ साथ अनअकैडमी के और ज़्यादा लाभ लेने के लिए उनके सब्सक्राइब, उनके चैनल को भी क्या कर सकते हैं, उनके प्लान्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जुडिशरी का सपना देख रहे हैं और जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेके आया है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी जुडिशरी की तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल आपको अनअकैडमी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी में भारत के बेस्ट एजुकेटर हैं और ये बेस्ट एजुकेटर आपको बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। आप इनके माध्यम से लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, और PDF के माध्यम से आपको अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और अनअकैडमी इसके साथ साथ आपको फ्री क्लासेस भी दे रहा है। और अगर आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक है, आप Shahbaz10 का प्रोमो कोड यूज़ करके आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो सब्सक्रिप्शन भी बड़े रीजनेबल प्राइस पे हैं, और इस रीजनेबल प्राइस में अगर Shahbaz10 का प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो